हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग फॉर लूप। ठीक है, इससे पहले व्हाइल और डू व्हाइल को कंप्लीट किए थे, आज हम क्या देखेंगे फॉर लूप। लूप में तीन प्रकार के देखे थे, कौन कौन सा होता है वो लूप, तो व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है। तो व्हाइल लूप में आपको बता दिया था, डू व्हाइल भी बता दिया था, आज हम किसको कवर करेंगे फॉर लूप। तो सी लैंग्वेज में फॉर लूप बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा अगर किसी लूप को यूज किया जाता है तो कौन सा लूप है आपका फॉर लूप, क्योंकि यह लूप बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और यह सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन किया जाता है, सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब यह है, जैसे हम व्हाइल लूप बनाते थे, व्हाइल लूप को क्या करते थे, पहले वैल्यू इनिशियलाइज करते थे, वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन देते थे, देन क्या करते थे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे। ठीक है, लेकिन फॉर लूप में क्या कर सकते हैं, एक ही सिंगल लाइन में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल बता रहा हूं, आप देखना, जैसे आपका सिंटेक्स यहां पे देखो, सिंटेक्स कैसे बनेगा, इसका सिंटेक्स कैसे बनेगा, एक ही लाइन में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखना, फॉर लिखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर लिख देंगे। फॉर लिखने के बाद जो इनिशियलाइजेशन करते हैं, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज, ठीक है, उसके बाद क्या दे देंगे, सेमी कॉलन दे देंगे। वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन लगाने के बाद क्या करते हैं, फिर सेमी कॉलन, और फिर हम क्या करते हैं उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट या फिर आप डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक ही सिंगल लाइन में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है आपका फॉर लूप, पहले वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन दी जाती है, कंडीशन देने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो स्टेटमेंट हमको प्रिंट कराना है उस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट वन। ठीक है, स्टेटमेंट टू। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दिया, देखो एग्जांपल, जैसे मैं लिख दिया फॉर, फॉर लिखने के बाद अब मुझे एक से लेकर दस तक को प्रिंट कराना है। कहां से कहां तक, तो एक से लेकर दस तक को मैं प्रिंट कराना चाहता हूं। तो सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, ए इज इक्वल टू क्या ले लो आप, वन। ठीक है, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जब हम प्रोग्राम देखेंगे वहां पे देखेंगे ए इज इक्वल टू क्या ले लिए, वन। अब कंडीशन देंगे, क्या रहेगा कंडीशन आपका, ए लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। देखो सेकंड पार्ट कंडीशन का होता है, थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का होता है। तो एक से लेकर 10 तक कर रहा है, इंक्रीमेंट होगा, तो ए प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ, स्टेटमेंट मतलब वही हुआ ना प्रिंट एफ। ठीक है, अब प्रिंट एफ में क्या प्रिंट कराना है आपको, तो नया लाइन ले लेना, परसेंट डी ले लेना, परसेंट डी लेने के बाद जो प्रिंट कराना है, जैसे मैं लिख दिया हेलो, पांच बार हेलो को, दस बार हेलो को प्रिंट कराना है, वन टू ऐसे करके हेलो लिख दिया। अब हेलो लिखने के बाद क्या करेंगे, किसको प्रिंट कराना है आपको, ये सेमी कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इस प्रकार से हमारा फॉर लूप चलता है। ठीक है, अब हम इसको कंप्लीट एग्जांपल में देख लेते हैं कि फॉर लूप का प्रोग्राम कैसे बनता है, या फिर आप इसका फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो। तो फ्लो चार्ट तो बहुत आसान है, जैसे वाई टू वाई में बनाए थे वैसे इसमें भी आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हम इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल इसका बने। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, हमको हेडर फाइल लिखना है, हेडर फाइल लिखती हैज इंक्लूड के बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। तो लिख दिया हमारा वाइल मेन फंक्शन। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंटीजर कर सकते हो, मैं क्या ले लिया यहाँ पे, वाइट ले लिया, तो वाइट मेन लिख दिए। उसके बाद क्या कर दिए, ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया हूँ इंटीजर ए, क्या ले लिया इंटीजर ए। अब देखो वैल्यू नहीं दे रहा है इसको, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि फॉर लूप जो है वो क्या करता है, सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन किया जाता है, किसको, फॉर लूप। तो सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन करेंगे, यहाँ पे
हम ए का वैल्यू नहीं ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज ले लो आप, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ठीक है, क्या ले लेंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ताकि आप रन कराओ तो आपका स्क्रीन क्या रहे, क्लियर रहे। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन ले लें, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, फॉर। अब फॉर में लिखो ए इज इक्वल टू वन। सबसे पहले वैल्यू को क्या कराते हैं, इनिशियलाइज कराते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। अब ए को कहां तक चलाना है आपको, ए लेस देन इज इक्वल टू फोर, मैं चार बार चलाना चाहता हूँ तो फोर ले लिया। ठीक है, अगर आप इक्वल हटाओगे तो यहाँ पे फाइव लेना पड़ेगा, पांच से छोटा तभी तो चार आएगा। ठीक है, तो ये क्या ले लिया हमने, फोर ले लिया। फिर क्या लगाया, सेमी कॉलन और ए प्लस। ठीक है, इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ए की वैल्यू को कर रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ कमेंट्स करके आप बता सकते हो, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ये समझ नहीं, ये हो गया। अब इसको हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। ओपन करो, ओपन करने के बाद ये हो जाएगा प्रिंट एफ। ठीक है, हो गया प्रिंट एफ। डबल कोटेशन लो, डबल कोटेशन स्पेस एन परसेंट डी। परसेंट डी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए जो है किस टाइप का है, इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे क्या देंगे, परसेंट डी देंगे। ठीक है, अब परसेंट डी देने के बाद लिख दो हेलो। चार बार मैं हेलो क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ, हेलो डी। और उसके बाद प्रिंट क्या होगा, ए इंक्रीमेंट होगा तब तो चार बार होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, कोनियों लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट सी। ठीक है, अब ये लगा दिए सेमी कॉलन और फिर ये हो गया क्लोज। ठीक, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट कैसे आ जाएगा इसका, वन हेलो, टू हेलो, थ्री हेलो और फोर हेलो, इस प्रकार से इसका आउटपुट आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉर। अब देखो, अब आप ये बोलोगे हमें रिटर्न जीरो क्यों नहीं लिया, अभी तक सब प्रोग्राम में हम रिटर्न जीरो लेते, यहाँ पे इंटीजर नहीं लिए इसलिए हमें रिटर्न जीरो नहीं लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंटीजर लेते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिटर्न जीरो। तो ये हो गया आपका फॉर का प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें आप इंक्रीमेंट वाला भी यूज कर सकते हो, डिक्रीमेंट वाला भी यूज कर सकते हो। आप 100 से 1 तक प्रिंट कराना चाहोगे तो ए इज इक्वल टू 100 लिख दो, उल्टा प्रिंट कराना है आपको 100 से 1 तो 100 लिख दो और इसको लिख दो 1। ठीक है, और इसको क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो, ए माइनस माइनस। तो इस प्रकार से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों प्रकार से प्रिंट करवा सकते हो, व्हाइल डू और फॉर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर का प्रॉब्लम। थैंक यू।